कब्रिस्तान वाल लैके टुर देने ओ जेड़े पुत्र दा बाप नाल वखरा प्यार होवे ओ पुत्र अपने बाप दी चार पाई नू कन्ना दे देने ते नाले कहंदे ने लोको अज लक टुट गया जे अज साडा बाप टुर गया ने अज साडे सिर दा वारस टुर गया जे अज साडे सिर दा साईं टुर गया जे अज साडा बाप टुर गया है ओ ईद वाले रोज साडे सिर ते प्यार केड़ा देवेगा ओ ईद वाले रोज सानू नवे कपड़े कौन लेके देवेगा ओ दुआ करया करो किसे दा बाप ना टुर जाए दुआ करया करो ओ किसे जवान वीर दा जवान पुत्र भी ना टुर जावे मेरी मिल्लत दिया नौजवानों الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا گونج پا دیو سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरबर कायनात बाईसे तखलीक कायनात सदर बज़्म कायनात वजह कायनात मस्दर कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम दी बारक दे अंदर हदीयत दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद इंतहाई वाजिब अल इहतराम उलमाई कराम नात खां शलिसा बानिया ने माफल नकी बे माफल मौजूदी ने इलाका मेहमाना ने गिरामी
इंतहाई इज्जत माब हाजरीनो समाइनो समियात दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों अज दे पकीजा प्रोग्राम बसले सलाई इसाले सबाब बुजुर्ग बुजुर्गवार मुहम्मद आरिफ साहिब जिन्हां दे इसाले सबाब दी बज़म दे अंदर तुसां और मैं हाजिर हाँ। रब तआला मरहूम दे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा के कबर दियां सख्तियां कबर दे अज़ाब तो महफूज फरमाए। अज दी महफल दे बानियान मेरे बरादर भाई मुहम्मद ज़हूर आरिफ साहिब मुहम्मद दानिश अली साहिब मुहम्मद तैयब साहिब और मुनव्वर हुसैन असगर अली और दिगर बरादरान जिन्होंने अपने अजीज के वास्ते खत्मे पाक दे इंतजाम फरमाए रब ताला कबूल फरमाए। वक्त थोड़े मैं जी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुकद्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह करीम ने निशात फरमाया के वकदा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया बड़ा हसीन लकब है। अल्लाह ने पूरी रूह इंसानियत को खिताब फरमाया। अल्लाह ने फरमाया के वकदा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इया के अल्लाह ने फरमाया के जदों भी इबादत करे आजे मैं खुदा दी करे आजे मेरी इबादत तो बाद जरा सारा तो अहम काम करना है। बिल वाली देनी इहसाना अपनी अम्मी ते अपने अब्बे नाल प्यार करे आजे। कुराने मजीद फुरकाने हमीद उठा के वेखो जिस भी मुकाम ते अल्लाह करीम ने वालदैन की अजमत नूं बयान फरमाया अल्लाह करीम ने नाल अपनी इबादत का जिक्र भी किया। अर्थ की या अल्लाह जिक्र माँ बाप का करना होंगे जिक्र तुसी अपना छेड़ लेंदे हो वजह की है। कुदरत ने निशाद फरमाया कि एक लत खलो के सारी रात अल्लाह अल्लाह करदा रो सारी रात नफल पढ़दा रो सारी रात तस्बियां पढ़दा रो सारी रात सर सजदे विच रख सारी रात मेरा जिक्र जकार कर जे अगर सुबह उठ के तेरी अम्मी ते तेरा अब्बा तेरे ते नाराज हो गया मैनू तेरे रात ते जगराता दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया जे चाहना ना मैं रब दे करीब हो जा मैं रब दे नेड़े हो जा मैं रब दे करीब ही बन जावा रब दा कुरब नसीब हो जाए फिर इंज करया कर कि सुबह उठ के अपनी मां दे कदम ते अपने बाप दा मत्था चुमया कर तेरी सारी रात भी सुतिया गुजर गई मैं रब इबादत विच शुमार कर लवांगा मैं इबादत विच शुमार कर लवांगा। अल्लाह ने कुरान मजीद बेशुमार मकाम आते वालदैन की अजमत नूं बयान फरमाया। हुण मैं पढ़ा कुरान जो बोलो सुभान अल्लाह तबे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। दूसरे मुकाम दे अल्लाह ने फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना। तीसरे मुकाम दे अल्लाह ने फरमाया के बाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना। चौथे मुकाम दे अल्लाह ने फरमाया अलिश्कुली वाली वालिदैका इलैल मसीह। अल्लाह ने बेशुमार मकाम आते वालदैन की अजमत नूं बयान फरमाया। चक्री चक दे रहने वाले ते कुर्बत जवार तो शरीफ लैके आने वाले हुण तवज्जो मेरे वल करे जे मैं सिर्फ अज कल्ली मां दी गल नहीं सुनानी मैं अज अब्बे दी शान सुनाना है। ये सारे नूं पता है ना कि मां दे कदमां दे थले जन्नत है सारे
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ करीब पुत्र भी रोंदे रह जाते ने करीब भैणा रोंदिया रह जांदिया ने दूरू रिश्तेदार भी आ जाते ने बरादरी वाले भी आ जाते ने सारे सराने खड़िया होके रोंदे रहिंदे ने कोई कहिंदा है साडा चंगा यार है कोई कहिंदा है साडा चंगा साथी है कोई कहिंदा है साडा चंगा वीर है ओए अज किसे दा वीर टुर गया अज किसे दा बाप टर गया है अज किसे मां दा पुत्र टर गया है मेरी मिल गया ना जवानो अज जेड़े बेले बंदे दा आखरी बेला आ जांदा है करीब सारे रोंदे रह जांदे ने इधर इजराइल माला कुल मौत आ जांदा है माला कुल मौत रूह कबद करदा है इधर घर वाले नबजा पकड़ के वेखदे ने डॉक्टर कहते ने एना बेला खत्म हो गया है इनकी रूह परवाज कर गई है जेड़े बेले तेरे जिस्म च रूह निकल जाती है तेरे घर वाले तेरा नाम भूल जाते ने सारे कहते ने जल्दी करो इस मैयत नू जल्दी नाल गुसल दे दियो फिर सारे इलाके दियां मस्जिदां दे विच मीनारा दे अंदर तेरे नाम दे प्रचार कीते जांदे ने कि फलां बिन फलां दा पुत्र फलां दा भाई फलां दा बेटा अज इस दुनिया तो रुखसती हो गया है अपना वक्त गुजार के टुर गया है फलां दा जनाजा इतने बजे फलां कब्रिस्तान अंदर पढ़िया जाएगा मेरी मिलत सारे ना भूल जाते ने दूरू बरादरी वाले भी आ जाते ने रिश्तेदार भी आ जाते ने तेरे सारे बरादरी वाले कट्ठे हो जाते ने कोई आके चार पाई नू जफ्फे मारदा है कोई कहना है लोको मेरा चंगा यार सी भैणा अपने वीर दी चार पाई नू जफ्फा मार दिया ने कहदिया ने नी वेखो नी वेखो नी साडा वीर टुर गया ने पुत्र अपने बाप दी चार पाई नू जफ्फे मार देने ते लोगां नू कहंदे ने लोगों अज मेरे सिर दा साई टुर गया दे अज मेरा सहारा टुर गया दे ओ जेड़े बाप नू मैं दुखड़े सुना दस अज मेरे दुख सुनने वाला बाप टुर गया दे मेरी मिलत दे नौजवानो सारे रोंदे रह जाते ने दूर बरादरी वाले भी आके रोंदे रह जाते ने फिर सारे कहते ने जल्दी करो इस मैयत नू जल्दी नाल गुसल दे दियो फिर जल्दी नाल गुसल दिता जाता है सारे कहते ने जल्दी करो इंदा जनाजा जल्दी पढ़ाया जे असा बड़ी दूर जाना है असा बड़ी दूर जाना है सारे कहते ने असा दूर जाना है पर सारे नू इस वक्त अपनी अपनी पई होंदी है जेड़े वेले तेरी चार पाई नू उठा के कब्रिस्तान वल लैके टुर देने ओ जेड़े पुत्र दा बाप नाल वखरा प्यार होवे ओ पुत्र अपने बाप दी चार पाई नू कन्ना दे देने ते नाले कहते ने लोकों अज लक टुट गया जे अज साडा बाप टुर गया ने अज साडे सिर दा वारस टुर गया जे अज साडे
सिर दा साई टुर गया जे ओए अज साडा बाप टुर गया है ओ ईद वाले रोज साडे सिर ते प्यार केड़ा देवेगा ओ ईद वाले रोज सानू नवे कपड़े कौन लेके देवेगा ओ दुआ करया करो किसे दा बाप ना टुर जाए दुआ करया करो ओ किसे जवान वीर दा जवान पुत्र भी ना टुर जावे मेरी मिल्लत दे नौजवानों जेड़े वेले तेरी मैयत कब्रस्तान आउंदी है इधर इमाम साहब सफा सिद्धियां करा देने इधर सफा कतारां बन जांदियां ने इधर नमाज जनादा पढ़िया जाना है जेड़े दूर दे रिश्तेदार आउंदे ने जनादा पढ़ के उत्थे ही वापस टुर जांदे ने जेड़े पांदे प्यार करन वाले आउंदे ने ओ तैनू कब्रस्तान आप लैके जांदे ने जेड़ा पांदा प्यार करदा होवे ओ कब्र विच आप ही उतारदा है जेड़ा पांदा प्यार करदा होवे ओ मट्टी भी आप डालदा है सलैपा भी आप रखदा है नौजवानों ओ जेड़ा पांदा प्यार करे ओ मट्टी डाल के हाथ चुक के दुआ करदा है ते रो के कहंदा लै यारा इत्थों तक यारी निभा लिया मां अगा तू जाने तेरे अमल जाने मना मन मिट्टी डाल देने ने ते आशक बोल के कहने भर भर मुठिया ए मिट्टी पा दे ते कर दे फेरे उचेरा पढ़ दुरूद आदे ते मुड़ नहीं पाते फेरा मना मन मिट्टी डाल देंगे असि मिट्टी दे बने ते आखर मिट्टी बच्चे चुर जाना अज साड़ी औकात इतनी है जो घर वाले गुसल देन लगते ने ते हाथ की घड़ी भी उतार लेने जो गुसल देन लगते ने तन का लिबास भी उतार लेंगे सानू चंद गज कपड़ा सफेद रंग का कफन का कपड़ा पहना के सानू कबर दे विच रख के आ जाते सखी सुल्तान बहू ने फरमाया कि हसन दे के रोन ले आई ते तेनू दिता किस दलासा सौड़ी सामी विच घसीटन जिथे परत न सके पासा जान बंदे दी इंज भी हानी जिमें पानी विच पतासा मालक तेथों लेखा मंगसी बाहू रत्ती घट ना मासा ऐसे दुकानदार को उधार चीज खरीद के लेके आइए ना ते वापस जाके कहिए ना यार साडा खाता खोल ते दुकानदार खाता खोले ते कहना तेरे इतने पैसे बन गए अगर एक रुपया भी घट दे तो वो कहना ना ना मेरा हिसाब चुकता करो मेरा हिसाब बराबर करो इतने दुनियादार तेन एक रुपया नहीं छड़दा ते ओते गफूर रहीम मालिक उन्हें भी तेरे को लेखा मंगना रत्ती घट ना मासा उथे लेखा देना पवेगा अज मैं तो हनु बाप की शान सुना ये तो हनु थोड़ा जा कबर का मंदिर सुनाया ना कि आ साड़ी उकात है सिकंदर आजम बादशाह गुजरिया बहुत बड़ा ऐसी अज साडे दिल की ख्वाहिश पता ही की होंगी है जल्दी मैं कोठी बना लवा बंगला बना लवा महल बना लवा जल्दी पैली बन्ना सोनी गड्डी सारा कुछ जल्दी लै लवा सच्ची दसो यार इतना बड़ा इजतमा सच्ची दसिया जे अज सानू दुनिया की कोठी कार ते बंगले की फिक्र लगी है कदे असी अपनी कबर की भी फिक्र रखी है मैं किताबा च पढ़िया कि हर रोज इजराइल मालकुल मौत हर बंदे वाल तीन बारी वेखदा है इजराइल मालकुल मौत हर बंदे वाल रोज तीन बार वेखदा है किन्नी बार तीन बार जो इजराइल साढ़े घर में किसी की रूह कबज करके लैके जाता है ते असी रोने ते करलाने आ ते इजराइल बोल के कहना रोवो ना मैं केड़ा पहली बार आया मेरा ते तुहाडे घर आना जाना लगे ही रहना
हर घर में इजराइला आना जाना लगे ही रहना। अगर बाप की शान पूछनी है तो कमली वाले को पूछ कि बाप की की शान है, बाप का कितना मर्तबा है। मेरी मिल्लत दिया नौजवानों जड़े बेले तेरे मेरे नबी ने इलाने नबूवत फरमाया, कमली वाले ने इलाने नबूवत फरमा लिया। इधर जड़े बेले कमली वाले पहाड़ी की चोटी दे बैठे ने, इधर अबू जाल गुजरे आ, अबू जाल ने तेरे मेरे नबी नो बुरा भला बोले आ। अबू जाल नु ख्याल है जे अज मैं मुहम्मद नु बुरा भला बोलांगा, मुहम्मद दा बाप भी कोई नहीं, मुहम्मद दी मां भी कोई नहीं, मुहम्मद मेरे नाल लड़ाई करेगा। अबू जाल ने बुरा बोले आओ, तेरे मेरे नबी भी बोले कोई ना। अबू जाल ने तेरे मेरे नबी नु पत्थर मारे आओ, कमली वाले दे मत्थे विच खून निकलन लग पे आओ। जा अबू जाल तेरे हाथ टूट जान, साढ़े नबी नो पत्थर मारे आई। अबू जाल ने मेरे आका नो पत्थर मारे आओ, मत्थे विच खून निकल रहा हो, तेरे मेरे नबी ने अपने जख्म दे हाथ रखे आओ। कमली वाले टुरदियां टुरदियां बैतुल्ला दे वेड़े विच आ गए, कमली वाले ने काबे दे पर्दे फड़ ले ते रो के कहन लगे, काबे वाले आ मैं तेनु अपने दुखड़े सुनाने आया वा, मैं तेनु अपने गम सुनाने आया वा। कमली वाले काबे दे पर्दे फड़ के रोई जा रहे, इधर तेरे मेरे नबी दे चाचा हजरत अमीर हमदा शिकार करन गए ने, इधर अबू जाल ने पत्थर मारे आए, हाले अमीर हमदा ने कलमा नहीं पढ़िया। इधर अमीर हमदा एक हिरन का पीछा कर रहे, एक हिरन नु तीर मारन लगे, हिरन बोल पे आओ ते कहन लगा, अमीर हमजा तू मैनू पिया मारना है, मैं तेरा की बिगाड़ आए, जे मारना ही जा मुहम्मद दुश्मना नो मार, जेड़े मुहम्मद नो मार देने। अमीर हमजा दौड़ के खारी आ गए, इधर लौंडी खाना रखनी रोन लग पई। अमीर हमदा ने पूछा रोनी क्यों है, लौंडी कहने लगी अज मैं बैतुल्ला देवे सामने पे गुजरदी सौ, अज मैं कमली वाले नो रोंदिया वेखया है, कमली वाले काबे दे पर्दे फड़ के प्या रोंदे ने। अमीर हमदा ने पूछया मेरे मुहम्मद नो किन्ने मारे आए, लौंडी कहने लगी अज अबू जाल ने कमली वाले नो मारे आए। अमीर हमदा दियां दौड़ां लग गईयां, जाके अबू जाल ने सिर च कमान मारी, टुरदियां टुरदियां बैतुल्ला दे वेड़े आए ते कमली वाले नु जफ्फा मारे आओ, ते कहन लगे उठ सोनिया तेरा चाचा आया आई, उठ सोनिया तेरा चाचा आया आई। मेरे आका ने बाजू छुड़ा दिते, मेरे आका ने फरमाया अज मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं, जे अज मेरा बाप अब्दुल्ला होंदा अज मैं दीवारा नल लग के ना रोंदा, जे अज मेरी माँ आमना होंदी अज मैं कल्या बह के ना रोंदा। ते मियां साहब फरमांदे ने बाप मरे सिरू साया उठेगा, ते वीर मरना कंड खाली, मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। अगर बाप दी शान पुछनी ते उंदे कोल पुछ जिंदे सिर ते बाप दा साया कोई नहीं। अज मावा रोंदियां ते बाप कर लाउंदे ने, अज साडे कोल लोग आके ना ते दुआवां करांदे ने, हाफिज़ जी दुआ करो पुत्र आखे नहीं जे लगदा। अज पुत्र कमाइयां करन वाला हो जाए ना ते अपने अब्बे नूं झिड़का मार के कहिंदा अबू जी तुहानूं ते पता ही कख नहीं, तुसी चुप करके अपने काम करया करो। हजरत अंस बिन मालिक आप दे शगिर्द हजरत साबित गुनानी रजी अल्लाह तआला नु
बहुत बड़े ताबी गुजरे ने। आप फरमाते ने मैं बाजार में जा रहा, ऐ सुनो जेड़े अपने वालदैन दे नाल बुरा सलूक करते हो, ऐ सुनिया जे। आप फरमाते ने मैं बाजार में जा रहा, एक नौजवान पुत्र अपने बुढ़े बाप नूं चौंक विच पे मारे, हजरत साबत गुनानी उस नौजवान झिड़क मार के कहेंगे तेनू हया नहीं आती अपने बाप नूं पे मारना है। उनका बाप नाले मार खा रहा ते नाले थल्लू बोल के कह लगा साबत गुनानी मेरे पुत्र नूं कुछ ना आखी, मेरे पुत्र नूं कुछ ना आखी। उन्हें कह तेनू पे मार दे ते इनू कुछ क्यों ना आखा। बाप कह लगा साबत गुनानी ये मेरिया कीतियां मेरे अगे पे आउंदियां ने, एक वक्त सी इसे चौंक जो मैं अपने बाप नू मारदा रिया, अज मेरा पुत्र मेनू पिया मारदा है। जैसी करनी वैसी फरनी। अदालत लगी है तेरे मेरे नबी जी, अजला पुत्र कहंदे ना अबू जी तुसा मेरे वास्ते कीते की है, कख नहीं कीता। ओ यार तेरे स्कूल दियां फीसा तेरा अब्बा भरे, तेरे कॉलेज दियां फीसा तेरा अब्बा भरे, तेरी यूनिवर्सिटी दियां फीसा तेरा बाप भरे, तेनू फड़ा लिखा के तेरी शादी ब्याह चा पूरे तेरा अब्बा करे, ते तू कमाइयां करने वाला हो जाए ते अपने अबू नू कहना अबू जी तुसा मेरे वास्ते कीते की है, ओ सारा दिन फैक्ट्री विच काम तेरा अब्बा करे, सारा दिन मिस्त्रियां मगर मजदूरी तेरा अब्बा करे। ओ शाम नू जदों ऐ सुबह बाप काम ते जांदे ना औलादां वाले बैठे हो यार, अबू काम ते निकलन लगे ना ते बच्चे अपने बाप दे कदमां नाल चिमड़ के कहंदे ने अबू जी ऐ मेरे वास्ते फलां शाम नूं आ फलां तोहफा लेके आया जे। ते बाप होवे ना 500 रुपया मजदूरी करन वाला, ते बाप रब्बे काबा दी कसम है सारा सारा दिन नाले सोचदा है कि ए 500 रुपया मेरी मजदूरी है, ते पुत्र ने मेरे को 2000 दा सवाल कर दिता है। जे मैं शाम नूं पुत्र वास्ते फलां तोहफा ना लैके गया ते मेरे पुत्र दा किते दिल ही ना टुट जावे। शाम नूं ठेकेदार कोल बाप जाके ते अपने पुत्र दा सवाल अगे रख के कहिंदा ठेकेदारा ऐ मैनूं 2000 रुपया दे दे, मैं 4 दिन मजदूरी करके 2000 उतार देंगा, मेरे पुत्र ने मेरे कोल फलां तोहफा मंग लिया है, मेरे पुत्र ने तोहफा मंग लिया है। ऐ जदों तुसीं शाम नूं काम तों घर वापस आंदे हो ना, कदे औलाद वाल गौर करके वेख्या जे, कदे अपना भी बचपन जोड़ के वेख्या जे, तुसी अपने बाप दे चेहरे वाल नहीं अपने बाप दे हाथ वाल वेखदे हो, मेरा अबू मेरे वास्ते की लैके आए, मेरा बाप की लैके आए। और जदों बाप वडेरा हो जाए ते पुत्र जवान हो जाए ना, ते बाप नूं ख्याल आंदा जिवें बचपन च पुत्र नूं मैं पालदा रहा, अज पुत्र जवान हो गया हुण मेरा पुत्र मैनूं पालिया करेगा। पर पुत्र एडा नकम्मा है अपने बाप नूं कहिंदा अबू जी अपनी कमाओ ते अपनी खाओ, अज नौ रानी घर आ जावे ते पुत्र सारा दिन कम ते हुंदा है, ते शाम नूं बाप दे पुत्र नूं सामने बिठा के नौ रानी कहिंदी है अपने बाप नूं ना किसे पासे छोड़ो, ये सारा सारा दिन खांसदा है खांसी करदा है किधरे मेरे बच्चियां विच जरा सी बना आ जावे, मेरे बच्चे बीमार ना हो जाए, मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ ओ ओ बाप है जिस बाप की जान तेरे विच ए ओ बाप है। अदालत लगी है तेरे मेरे नबी दी, आ जड़ा कहंदा ना अबू जी तुसा मेरे वास्ते कीता ही की है, उन्हां वास्ते जुमला है। अदालत लगी तेरे मेरे नबी दी, एक नौजवान सामने बैठा थे का कमली वाले तुसी अदलो इंसाफ वाले नबी हो ते एक फैसला मेरा भी करे अजे, तेरे मेरे नबी ने फरमाया बोल कादा इंसाफ कराना है कादा फैसला कराना है। नौजवान कहने लगा जी मैं फैसला कराना आया कि मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे ने, मेरे अखराजात ने, मेरे अब्बे नु मना करो मेरी कमाई भी जो पैसे ना मंगया करे। बाबा बड़ा बड़ा आशिक रसूल उस नौजवान का बाप, तेरे मेरे नबी ने फरमाया कि जाओ इन्हें बाप नु बुला के लेके आओ। बाबे को गया ना पैगाम तेरे मेरे नबी का, बाबे नु ते चा ही चढ़ गए, कोई अज किसी का उम्रे का टिकट निकल आवे ना तो उन्होंने चा चढ़ जाते कि मैनु मदीने विचों बुलावा आ के आए,
ओ यार आज असि इना सफर करके मदीने जाने ते जिनू कमली वाला आप बुला लवे जिन्हों सोना ही आप बुला लवे ओनू किन्ने कु चा चढ़े होणगे बाबे नू चा चढ़ गए बाबा दौड़ा दौड़ा ना तेरे मेरे नबी दी बारगाह च आया ते हाथ जोड़ के अर्ज करदा कमली वालिया उन्हां रामा तू मैं सदके जावां जिन्हां रामा तू तेरा पैगाम आ गया है जिन्हां रामा तू तेरा पैगाम आया सोने हुण मेरी अख च अख पा के जुमले सुने आ जाए ते अपने कन्ना ते अपने दिल दियां खिड़कियां खोल के सुने आ जाए अर्ज कीती सोने हुक्म होवे पुत्र आया तेरे मेरे नबी दी बारगाह च शिकायत लैके बाप दी तेरे मेरे नबी बाबे दे चेहरे वाल वेख्या ते बाबा हाथ जोड़ के अर्ज करदा कमली वाले हुक्म होवे तेरे मेरे नबी ने इंज करके ना नौजवान वाले इशारा किया तेरे मेरे नबी ने फरमाया बाबा इस नौजवान नु जानना है बाबे दी नजर पई ना पुत्र दे चेहरे ते ते बाबे दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई ते कमली वाले वाल वेख के ना ते हाथ जोड़ के अर्ज करदा कमली वाले ए ते मेरी जान है ए ते मेरी जान है सोनिया पुत्र शिकायत लेके आया ते बाप पुत्र नु अपनी जान पे कहंदा है तेरे मेरे नबी ने फरमाया बाबा अजड़े पुत्र नु तू अपनी जान पे कहना है ना पुत्र तेरी शिकायत लेके आए बाबे दिया ते चीखा निकल गई बाबा जारो जार ते ठाइया मार के रोन लग पिया बाबा बड़ा दर्द नाल रो रहा इधर जबरील आए थे आके अर्ज की थी कमली वाले अल्लाह फरमाने इंदे पुत्र की गल सुनी है इस बाबे ने कोई अंदर दर्द छुपा के रखे ने ओ बाप एक दर्दा भरा बहुत बड़ा समंदर होंदा जे बाप जीउंदा होवे ते सारियां मुसीबतां तकलीफां अपने अंदर समा लैंदा जे अपनी औलाद नूं तत्ती हवा भी नहीं जे लगन देंदा बाप नूं कोई तकलीफ पहुंचे ते पुत्रां नूं नहीं दसदा ते औलादां फरमा बरदार होण ते अपने अब्बू नूं आप ही समझ आउंदियां ने कि अज तक असीं अब्बे दा इंज चेहरा ते वेखे ही नहीं वो अपने बाबे दे कोल बह के कहंदे ने अब्बू जी दसो तुहानू की तकलीफ है अज परेशान क्यों पर अज दियां औलादां इंज दियां हो गईयां अज कहंदे ने परेशान ते अब्बा ही परेशान है ना साडा की जांदा है पर ए ओ बाप है जिहड़ा ईद वाले रोज आप पुराना सूट पहनदा सी ते तैनूं नवा पहनांदा सी ईद वाले रोज आप पुरानी जुत्ती पहनदा सी ते तैनूं नवीं जुत्ती लैके देंदा सी तेरे मेरे नबी ने फरमाया बाबा तू बोल तू अपने अंदर केड़े दर्द छुपा के बैठा है उस बाबे ने कमली वाले दी बारगाह च हाथ जोड़ के अर्ज की कमली वाले की दसा सोने जेड़े वेले मैं जवानी होया मेरे घर वाले मेरी शादी कर दी मैं रब दी बारगाह च दुआवां करदा रहिया या अल्लाह मैनू पुत्रियां तां कर दे या अल्लाह मैनू औलादियां तां कर दे कमली वाले अल्लाह ने मैनू पुत्रियां तां कीता सोनिया मैं इंदियां दिने भी खिदमतां करदा रहिया वा इंदियां रात भी खिदमतां करदा रहिया वा कमली वाले ए रोंदा सी मैं भी रोंदा सा ए हसदा सी मैं भी हसदा सा सोनिया सारा दिन आ मक्के दियां पहाड़ियां गवाने सारा दिन इनू अपने कंधियां ते उठा के मक्के दियां पहाड़ियां दियां सैरां करांदा रहिया वा कमली वालिया वक्त गुजरदा जा रहा जिवें जिवें जवान होंदा जा रहा मेरे दिल दियां सदरां भी जवान होंदियां जा रही मैनू सकून है मेरा पुत्र जवान हो चलिया है बनया यो के मेरा सहारा बनेगा बनया यो के मेरा आसरा बनेगा कमली वाले मैं की दसा इंदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खजाए आ गई सुनया इंदी कम
कमर सीधी हो गई, मेरी कमर झुक गई है, पर कमली वाले आओ ये कमाइया करन वाला हो गया, सोने आओ मेरे कुल कम नहीं आता, ये जमाने आओ मैं इन्नी बड़े चावा नाल शादी की थी, सोने आओ अज ये बच्चिया वाला हो गया है, पर अज एडा वड्डा हो गया है, अज मेरिया शिकायतां पिया करदा ई, सुने मैं इदा माल की करना है, कमली वालिया जड़ी कमाई करके लैके आंदा है, इनी कमाई विच थोड़े जे पैसे रख लेना वा, कमली वालिया मैं अपने बास ते नहीं रखदा, इंदिया भैणा परदेस आउंदियां ने, मैं इंदिया भैणा नू कपड़े खरीद के देना वा, इंदिया भैणा नू ईटा देना वा, इंदिया भैणा नू तोहफे देना वा, इंदिया भैणा नू इंदा ही माल दे के सोने इंदा ही ना उच्चा करना वा, मेरी मिलत या नौजवानों अज भैणा बेड़े आ जान, उन्हां नू खाली ना टोरिया करो, इन्हां भैणा नू वीरां ते बड़े माण दे दे, ए उंदे कोल पुछो ओ जिस भैण दा वीर कोई नहीं, उंदे कोल पुछो जिस भैण दा वीर कोई नहीं, कमली वालिया मैं इंदा ही ना उच्चा करना वा, सोणिया मैं इंदा माल की करना है, इधर सारे सहाबा भी रोई जा रहे, उस बाबे ने कमली वाले दे चेहरे वाल वेख्या, कमली वाले जारो जार रोई जा रहे, मेरे आका दी अथरुआ दे नाल सारी दाढ़ी मुबारक गिली हो गई, उस बाबे दिया बीची खां निकल गईया, तेरे मेरे नबी ने उस नौजवान दे चेहरे वाल वेख्या, कमली वाले ने जोर दा मुक्का उस नौजवान दे सीने ते मारिया, तेरे मेरे नबी ने फरमाया सुन ओ नौजवाना अज तो बाद ज़हन च रख लै कि तू भी अपने बाप दा है, तेरा माल भी तेरे बाप दा, तू भी अपने बाप दा, तेरा माल भी तेरे बाप दा। अज पुत्र कमाई करे ते कहना अबू जी चुप कर जाया करो, तुहानू नहीं पता। रूमिया कश्मीर लिखते ने के वीर वीरां दे दर्दी होंदे, ए वीर वीरां दे ए दर्दी होंदे, ते वीर वीरादियां बावा बाप सरदा ताज मुहम्मद, ते मावा ठंडिया छावा, एक नौजवान आया तेरे मेरे नबी दी बार बारगाह विच, यमनी नौजवान, जेड़े मां बाप नु तंग करदे हो ना, आ जुमला सुनया जे, मेरी मिल्लत दे नौजवानो उस अब्बे दी किन्नी कु शान होवे कि जिस अब्बे दी कसमा रब कुरान च चुकदा है, उस बाप दी किन्नी कु शान होवे। यमनी नौजवान आया तेरे मेरे नबी दी बारगाह च, आके अर्ज करदा कमली वाले आ मैं महबूबा तेनु राजी करन आया, कमली वाले सुनया सुनया जिंदे ते तू राजी हो जाए ओदे ते तेरा खुदा भी राजी हो जाता है, जिंदे ते तू नाराज हो जाए ओदे ते तेरा खुदा भी नाराज हो जाता है। तेरे मेरे नबी ने फरमाया सफर करके है मुसाफर है परदेसी है, गुसल कर थोड़ी देर आराम कर बैठ के गल करने आओ। उस नौजवान नु सकून ना आया ते कहन लगा सुनया मैं तेनू राजी करन आया ते जल्दी मेरे ते राजी हो जाओ। तेरे मेरे नबी ने नबूबत दी अख दे नाल उंदे घर दा मंदर वेख्या, तेरे मेरे नबी ने फरमाया दस तेरे घर दा की हाल है। नौजवान कहन लगा सोणिया मैं तेनू राजी करन आया, अपनी अम्मी ते अपने अब्बे नू रोंदे छड आया,
अपनी मां ते अपने बाप नूं रोंदे ही छड आया। तेरे मेरे नबी ने इना सुनिया ना, ते हजूर ने फरमाया दे तू चाहना ना मैं तेरे ते राजी हो जाऊं, ते जा घर चला जाओ, ते घर जाके अपनी मां ते अपने बाप नूं घर बैठ के राजी रख, मैं मदीने बैठा मुहम्मद तेरे ते राजी हो जावा। पता लग गया जिंदे ते मां ते बाप नाराज ने ओंदे ते कमली वाला नाराज जे, ते जिंदे ते कमली वाला नाराज हो जाए ओंदे ते अरशा वाला खुदा भी नाराज हो जाता जे, ओंदे ते रब भी नाराज हो जाता जे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कमली वाले तशरीफ फरमा, ते तेरे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जेड़ा सुबह उठ के जिंदी मां ते बाप हयात होवे ते सुबह उठ के अपनी अब्बे दा चेहरा मुस्कुरा के वेख लवे, उन्हों रब एक मकबूल हज ते दो उम्र दा सवाब अता करेगा। इधर एक सहाबी बोले ते अर्ज कीती सोणिया जेड़ा दो बारी वेखे तेरे मेरे नबी ने फरमाया उन्हों दो हजा दा सवाब। एक इधर बोलिया ते अर्ज कीती सोणिया जेड़ा त्राए बार वेखे तेरे मेरे नबी ने फरमाया उन्हों त्राए हजा दा सवाब। सामने एक बोलिया ते अर्ज कीती सोणिया जेड़ा चार बारी तेरे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा वो केड़ी दो चार दी गिनती च पै गए हो, वो जेड़ा तिहाड़ी बारी सौ बार भी मां अपने बाप का चेहरा वेखे रब सौ हजा का सवाब अता करता है। जेड़ा सौ बार वेखे रब सौ हजा का सवाब। अगर चाहते हो ना कि ये वेखना चाहते हो कि साढ़े ते साडा रब राजी है कि नाराज है, आ मैं तेनों कुलिया दस जावा। अगर वेखना होवे ना साढ़े ते साडा रब राजी है कि नाराज है, ते सुबह उठ के अपने बाप का चेहरा वेखी जे बाप राजी है ते समझी खुदा भी राजी है, बाप राजी है ते खुदा भी राजी है। मेरी मिल्लत नौजवानों मैं तुहानू केड़ी केड़ी अजमत वालदैन की गल सुनावां, आओ आखर ते आशिक रसूल की गल ना सुनावां। वह जिन्हें मां का अदब किया ते कमली वाला गल्लां ही होंदियां करदा है, वह जिन्दा ना खाजा ही खाजगा हज़रत खाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करंदा रहन वाला, वो तेरे मेरे नबी दा आशिक दे दीवाना। कमली वाले दी यादा च दिने भी रोंदा ते रात भी रोंदा, ते एक दिन ऊंट चार दिया ना ते ख्याल आया अबैस सावां दा पता कोई नहीं, ते जुंदिया जुंदिया नबी वेख्या पता नहीं केड़े वेले ये बोका मुक जावे, सावां दा बुक ही मुक जावे। अज इश्क दा भांबड़ बड़ा तेज है, अबैस करने दियां चीखां निकल रहियां। आशिक बोल के कहना इस इश्क देखे अबलड़े ने अपनी मर्जी करदा है, इस इश्क देखे अबलड़े ने अपनी मर्जी करदा है, बंदा टंगिया रहदा सूली ते ना जुदा ते ना मरे।